हेलो फ्रेंड्स, सो हियर नूह सिद्दीकी अगेन, एंड हम लोग यहाँ पे उर्दू ऑप्शनल को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें टॉपिक वाइज हम लोग लेक्चर सीरीज़ में आगे जा रहे हैं। अभी तक हमने 3 लेक्चर्स जो है मेरे रिकॉर्ड कर लिए हैं, जिनमें हमने अभी तक देखा है उर्दू का आगाज़, स्पेशली उर्दू ज़बान का इर्तिखा, जिसमें कि हिंद आर्यई, ठीक है, ख़दीम वस्त और जदीद हिंद आर्यई। फिर दूसरे हमने लेक्चर में देखा है मग़रिबी हिंदी और उसकी बोलियाँ, उसमें शामिल मुख्तलिफ बोलियाँ, और साथ ही साथ देखा है उर्दू का कंपैरेटिव एनालिसिस, यानी कि उर्दू का जो लिसानी रिश्ता रहा है वो हरियाणवी के साथ, पंजाबी के साथ, ब्रज के साथ, ठीक है, ऐसे ही खड़ी बोली के साथ, ये भी हमने देखा है। जो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पाननी और उसकी अष्टाध्यायी, ठीक है, फिर उस पर हमने देखा है, फिर शुमाली हिंद में 1212वीं सदी से 17वीं सदी तक 1200 to 1700 जो उर्दू ख़दीम उर्दू के जो नमूने मिलते हैं उस पर हमने डिस्कशन किया है। साथ ही साथ फिर हमने देखा है मुगलिया दौर में उर्दू, वो भी हम देख चुके हैं। साथ ही साधु संत और जो भक्ति प्रचारक जो रहे हैं, कबीरदास, नामदेव, साथ ही साथ गुरु नानक, तो इनका क्या, इनके कलाम में उर्दू से मुतालिक क्या चीज़ें मिलती हैं, ये भी चीज़ हम देख चुके हैं। सो आज का जो लेक्चर है, या अभी जो लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सिलेबस या उर्दू ऑप्शनल के जो पेपर 1 के पार्ट ए का जो एक बहुत अहम जो टॉपिक है वो है रस्मुल खत और ज़खीरे अल्फाज, इस पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसमें से काफ़ी सवाल बनते हैं, एंड आई सपोज़ कि रस्मुल खत ज़खीरे अल्फाज से हर साल एटलीस्ट 40 से 50 मार्क का क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से, हम लोग कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करें, और साथ ही साथ हम नोट्स मेकिंग, जो मेरा स्टाइल है वो ये है कि मैं लिखते हुए चलता हूँ, सो दैट आपको भी नोट्स मेकिंग में आसानी रहे, और जो लिखा हुआ होता है वो ज़्यादा आसानी से याद भी रहता है और फिर रिविज़न करने में भी उसकी आसानी रहती है, ठीक है। तो जो हमारा पहला टॉपिक है रस्मुल खत, अब रस्मुल खत पर जाने से पहले जो उर्दू में जो बुनियाद है, जो रस्मुल खत की जो बुनियाद होते हैं वो है हरूफ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि रस्मुल खत पर जाने से पहले जो हमारा टॉपिक है हरूफ तहजी, हरूफ तहजी जो उर्दू की बुनियादी इकाई है, उर्दू रस्मुल खत की जो बुनियादी इकाई है हरूफ तहजी। जब किसी बच्चे को भी उर्दू सिखाई जाती है, या आपने देखा होगा मदरसे में जब वो जाता है या उर्दू सीखना चाहता है, तो उसको यसरनल कुरान या फिर कायदा पढ़ाया जाता है, ठीक है, जिसमें उसको उर्दू की बुनियादी जो हरूफ होते हैं, जो अल्फाज होते हैं, वो सिखाए जाते हैं। तो रस्मुल खत पर हम आएंगे हरूफ तहजी के बाद, और क्योंकि इसमें से मुख्तलिफ सवाल निकलते हैं, जैसे कि हरूफ तहजी उर्दू में हरूफ तहजी की तरतीब जो है सोरी तरतीब है, ना कि सौती, यानी कि जो है शक्ल के एतबार से उसकी तरतीब होती है, ना कि जो है आवाज़ के एतबार से। जैसे मराठी में या देवनागरी में आप देखेंगे आवाज़ के हिसाब से क ख ग घ जो होते हैं वो एक साथ जो है लिखे जाते हैं, लेकिन उर्दू में आपने देखा होगा ब प त, ये जितना भी होता है बा पा ता, ये सारा जो है एक साथ में लिखा जाता है। ऐसे सवाल बनते हैं, ठीक है, फिर ज़खीरे अल्फाज पर भी सवाल बनते हैं, तो उसी को हम अभी डील करते हैं। तो हरूफ तहजी, अब हरूफ तहजी में आप शुरू में लिखते हुए चलिए, पहले आप लिखिए ज़बान जो होता है वो होता है सौती इकाइयों का मजमुआ, जो आवाज़ें होती हैं उसका मजमुआ हो जाता है ज़बान। लेकिन जो रस्मुल खत होता है, यानी कि जिसे तहरीर किया जाता है, रस्मुल खत जिसे तहरीर किया जाता है, सो रस्मुल खत जो होता है वो हो जाता है तहरीरी इकाइयों का मजमुआ। ठीक है, थोड़ा मैं इसको इधर लिख देता हूं, जो सौती इकाइयों का जो मजमुआ हो गया वो हो गया आपकी ज़बान, और जो तहरीरी इकाइयों का मजमुआ हो गया रस्मुल खत, यानी कि जो तहरीर की जाती हैं, जो इकाइयाँ होती हैं, बेसिक यूनिट्स जो होते हैं, उसको फिगर्स जो होते हैं, वो मिलाकर बनता है एक स्क्रिप्ट या रस्मुल खत। रस्मुल खत का मतलब हो गया स्क्रिप्ट, और जो सौती इकाइयाँ जो होती हैं, ठीक है, उनका मजमू हो गया ज़बान। ठीक है, अब जो तीसरा आपको लिखना है इकाइयों की तरतीब से लफ्ज़ बनते हैं,
لفظ ترتیب دے کر جملے بنتے ہیں, ہے نا؟